प्रिय बच्चों नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं क्लास सिक्स के बच्चों के हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ संख्या सात साथी हाथ बढ़ाना के प्रश्नों के उत्तर को लेकर। तो आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस पाठ का पहला प्रश्न है, यह गीत किसको संबोधित है? बच्चों उत्तर है, यह गीत देशवासियों को संबोधित है। दूसरा प्रश्न है, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो? बच्चों इस गीत की निम्नलिखित पंक्तियों को अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। क, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। ख, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो झर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसा बस में कर ले किस्मत। अब प्रश्न देखते हैं, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, शायर ने ऐसा क्यों कहा है? लिखो। बच्चों इसका उत्तर है, यह जीवन की सच्चाई है। यदि हम जीवन में मिलजुल कर काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। हम बड़ी से बड़ी शक्ति को भी झुकने पर विवश कर सकते हैं, संगठन में पहुंच सकती है, इसलिए शायर ने ऐसा कहा है। पाठ का चौथा प्रश्न है, गीत में सीने और बांह को फौलादी क्यों कहा गया है? उत्तर, गीत में सीने और बांह को फौलादी कहकर यह स्पष्ट किया गया है कि हमारी बाजुओं में शक्ति है, हम ताकतवर हैं, हम बलवान हैं, हमें शक्ति बल ताकत की कमी नहीं है, साथ ही हम साहसी भी हैं। हमारे सीने हर प्रकार की तकलीफों को सहन करने में समर्थ हैं। हमें उत्साह है, हिम्मत है, संघर्ष करने की क्षमता है। प्यारे बच्चों यह तो रहा पाठ से प्रश्न उत्तर। अब गीत से आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों? इससे मिलते जुलते 10 शब्द अपने शब्द भंडार में जोड़ो। उत्तर, मैं अपने आसपास रहने वाले, साथ काम करने वाले और साथ पढ़ने वाले को अपना साथी मानता हूँ। साथी से मिलते जुलते 10 शब्द, मित्र, दोस्त, सहपाठी, सहचर, संगी, सहायक, शुभचिंतक, हितैषी, सखा, बंधु, भाई आदि हैं। दूसरा प्रश्न है, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, कक्षा, मोहल्ले और गांव के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम इस वाक्य की सच्चाई को महसूस कर पाते हो और कैसे? उत्तर, कक्षा, मोहल्ले और गांव के उन साथियों के बीच मैं ऊपर लिखे वाक्य की सच्चाई महसूस करता हूँ जिनके साथ मेरे संबंध अच्छे हैं, मैं जिन पर भरोसा कर सकता हूँ और यह सोचता हूँ कि वे जरूरत पड़ने पर मेरी सहायता करेंगे। ऐसे साथियों के दुख में मुझे भी दुख का अनुभव होता है, उन्हें प्रसन्न देख मैं भी प्रसन्न हो उठता हूँ। इससे लगता है कि उनका दुख मेरा दुख है और यदि वे सुखी हैं तो मुझे भी बहुत लाभ मिलेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो? उत्तर, इस गीत को किसी भी माहौल में गुनगुनाया जा सकता है। इसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस तथा ऐसे अवसरों पर जब एकता, संगठन, मिलकर काम करने की बात चल रही हो
गुनगुनाया जा सकता है। इस गाने में एकता, संगठन, मेहनत का महत्व बतलाया गया है। इस गाने से मन में साहस, सहयोग तथा उत्साह के भाव पैदा होते हैं, इसलिए इस गाने को अनेक अवसरों पर गुनगुनाया जा सकता है। चौथा और आखिरी प्रश्न है, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? पापा के काम और माँ के काम क्या क्या हैं? क्या वे एक दूसरे का हाथ बढ़ाते हैं? तो क का उत्तर हम देखते हैं, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना की भावना का अपने घर में मैं बहुत ध्यान रख सकता हूँ, रख सकती हूँ। घर में अनेक छोटे बड़े काम होते हैं, ऐसे कामों की गिनती कर पाना सरल नहीं, पर मैं घर के अनेक छोटे बड़े कामों में अपने माता पिता का सहयोग करता हूँ। ऊपर लिखी पंक्ति की भावना को चरितार्थ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। प्रश्न ख का उत्तर है, मेरे पापा और माँ के कई काम हैं। मेरे पापा कार्यालय में कार्य करते हैं और माताजी गृहिणी हैं। पापा कार्यालय में व्यस्त रहने के बाद जब वे घर आते हैं तो उन्हें अनेक छोटे बड़े काम घर में भी करने होते हैं, जैसे घर की ज़रूरतों के सामान, सब्जियां आदि लाना। माँ घर को सफाई करती हैं, खाना बनाना, बिस्तर बिछाना, कपड़े धोना आदि अनेक काम करती हैं। ग का उत्तर है, हाँ, वे इन कामों में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं।